जय हिंद साथियों, राजपूत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के हिंदी वाले पोर्शन की पैडागोगी के प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि जुलाई और अगस्त में होने वाले सीटेट पेपर के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए पहले प्रश्न पर। A few moments later. पहला प्रश्न है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ऑप्शन है, अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, तर्कसंगत कथन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनौपचारिक कथन। अनौपचारिक कथन की बात करें दोस्तों, तब जब दोस्त आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और आपस में कोई समस्या सुलझा रहे होते हैं तो उसे अनौपचारिक कथन कहते हैं। जब माँ बाप और शिक्षक के बीच वार्ता होती है जो, उसे औपचारिक कथन कहते हैं। और प्रासंगिक कथन की बात करें तो दोस्तों, जब कोई कथा या कहानी होती है तो वो उसे प्रासंगिक कथन कहते हैं। और जब किसी वकील और कोर्ट में कोई जब किसी भी समस्या पर बात होती है, वार्ता होती है, उसे तर्कसंगत कथन कहते हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, उसके लिए ऑप्शन है, बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन पर कंठस्थ शब्द आ गया, बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। अगर सीटेट के पेपर में कंठस्थ और याद करना शब्द आ जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। और डी नंबर वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, उसमें बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, वो सूत्र याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है और ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बचे हैं बी और सी, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। तो ऑप्शन सी दोस्तों की बात करते हैं, ऑप्शन सी कहता है कि बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, वो नियम याद करने में या नियम लगाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये भी ऑप्शन दोस्तों गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका बचता है सी, बी ऑप्शन बचता है। तो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। बच्चे को पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर उसे नियम की तरफ ले जाया जाता है, जिसमें बच्चे रुचि प्रदान करते हैं और आराम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए ऑप्शन है दोस्तों, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएँ याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों, वे किसी वक्ता के साथ रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बी और सी ऑप्शन पर, उन्हें कविताएं याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों। तो अगर याद शब्द पूरे सीटेट के पेपर में पैडागोगी में आ जाए तो दोस्तों वह हमेशा के लिए कट कर देना है। तो ये आंसर बी और सी नंबर वाले ऑप्शन गलत होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों डी वाले ऑप्शन पर, वे किसी वक्ता के साथ रहते हैं। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं, ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वे किसी स्पीकर के साथ रहें तो उनकी जो भी भाषा दक्षता होगी वो अच्छी हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और ऑप्शन बचता है दोस्तों ए ऑप्शन, उन्हें सुनने और बोलने की अगर पूरी आज़ादी हो जाए तो बच्चे भाषा प्रयोग की दक्षता अच्छी विकसित कर लेंगे, इसीलिए यह ऑप्शन दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि। तो उसके लिए ऑप्शन है दोस्तों, उसे लिखना रुचकर नहीं लगता है, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो।
उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न में बोला गया है कि मोना नाम की एक लड़की है और वो लिखते समय अक्षरों को छोड़ देती है और जब पढ़ती है तो बीच बीच वाले अक्षरों को गैप कर देती है और अधूरे शब्द को लिख देती है। तो इसका सही कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा? तो उसके लिए ऑप्शन है, उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अगर रुचि मोना में, अगर रुचि लिखने में नहीं होगी तो वो कतई नहीं लिखेगी, कुछ भी नहीं लिखेगी, तो बीच में क्यों छोड़ेगी, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, अगर वह लिखना चाहती है और उसके विचार में गति में सामंजस्य ना हो तो वह बीच में क्यों छोड़ेगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके विचारों में स्पष्टता ना हो और उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो, तो दोस्तों मात्राओं का ज्ञान ना हो तो वो गलतियां करेगी, वो पूरा वर्ड क्यों छोड़ेगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन है दोस्तों, ये ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग। दोस्तों इसमें कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि समावेश जो कक्षा है, क्लास है, उसमें समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए किस बात पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, सबसे अधिक किस ऑप्शन पर जोर देना चाहिए? तो ऑप्शन में पहले में जो ऑडियो विजुअल है, यानी कि कह सकते हैं दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य, सदैव हमेशा कुछ ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं वहाँ दृश्य श्रव्य दोनों जरूरी नहीं होती, इसलिए ऑप्शन ए गलत कर देते हैं। और दूसरा ऑप्शन है स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, तो गति को धीमा कर देंगे तो समावेशी माहौल नहीं बन पाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करना, ये इस ऑप्शन में कहा सभी बच्चों से सभी भाषिक, यानी कि कह सकते हैं कि सभी बच्चों से सभी प्रकार की भाषाओं के कार्य समान रूप से संपादित करना, ये सही है, लग रहा है सही है, लेकिन डी ऑप्शन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग। तो दोस्तों यही सबसे उचित लगता है डी ऑप्शन, और ये सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन सबसे उचित आंसर लगता है, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग, जहाँ जरूरत दृश्य संसाधन की जरूरत पड़े तो वहाँ दृश्य संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ श्रव्य संसाधनों का की आवश्यकता पड़े तो वहाँ श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। और बात करें दोस्तों, अगर सीटेट की फर्स्ट या सेकंड पेपर में विभिन्न प्रकार के किसी भी प्रश्न में विभिन्न प्रकार का शब्द आए तो वह ऑप्शन 99% सही होने की संभावना हो जाती है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो दोस्तों ये सीधा सीधा याद भी रखना है, ये जो एक जो बुक है वो किसने लिखी, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है, ये डायरेक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न, सतीश सातवीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है, इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सतीश नाम का एक लड़का है, एक विद्यार्थी स्टूडेंट है सातवीं कक्षा का, और वह निबंध लिखते समय जो उसे रटी हुई चीज़ें हैं वही कॉपी पर उतारता है, इससे उसमें सबसे कमज़ोर क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन है, आइए देखते हैं,
उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामान नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बहुत बेहद कमज़ोर है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसकी मौखिक भाषा जो है बहुत ही कमज़ोर है, इसीलिए वह रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है और इसी कारणों से उसका जो कार्ड है सबसे ज़्यादा है, उसकी जो ओरल लैंग्वेज है वो बहुत ही वीक है। आइए अगले प्रश्न पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन पहला है बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन बी है बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, ये गलत हो जाएगा, कंठस्थ और याद करना हमेशा के लिए गलत होता है। बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करना, पाठ के अंत में ही क्यों, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो दोस्तों ये दोहराने की क्षमता का विकास करना, शब्द को बार बार दोहराना, ये तो रटंत विद्या होगी, इसीलिए ये फर्स्ट आंसर भी गलत हो गया। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। दोस्तों बच्चा जो शिशु होता है उसकी भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन हो सकता है, उसके लिए ऑप्शन है भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, पाठ्यपुस्तक। दोस्तों पहले ऑप्शन की बात करें भाषाई प्रयोग के अवसर, तो ये तो सही होगा, ये बाधा का तत्व तो नहीं, ये तो भाषा सीखने में रामबाण सिद्ध होगा, तो ये तो ऑप्शन सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इकाई परीक्षण ये भी गलत है, यूनिट एक्सपेरिमेंट ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है पाठ्यपुस्तक, पाठ्यपुस्तक कोई बाधा तत्व तो नहीं होता है, ये भी सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन है सी भाषा में आकलन, ये भाषा में आकलन सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा शिक्षक नहीं होगा दोस्तों, यहाँ भाषा शिक्षण में होना आवश्यक नहीं है। इसका ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान होना। तो दोस्तों भाषा शिक्षण में जो भाषा सीखी जाती है उसमें क्या क्या आवश्यक नहीं होता है, आवश्यक होता है व्याकरण का ज्ञान भी आवश्यक होता है, इसलिए गलत ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सुंदर लेख ये भी होता है, इसलिए गलत। विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान ये भी सही, ये भी गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं डी रसायनों का ज्ञान, ये ज़रूरी नहीं, भाषा जब सीखी जाती तो रसायनों का ज्ञान क्यों आवश्यक होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही आंसर इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। जो गद्य शिक्षण होता है, जो कहानी शिक्षण होता है, उसमें कठिन जो भी कठिन शब्द होते हैं उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, उसके ऑप्शन है दोस्तों चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बात करते हैं जो कहानियाँ बच्चों को पढ़ाई जाती हैं उनमें जो कठिन वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उन्हें कैसे उनका निवारण किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों चित्र दिखाकर बच्चों में रुचि आएगी और वो शब्दों को समझेंगे, साथ साथ उसके दर्शन भी करेंगे और अच्छे तरीके से रुचि तरीके से सीख भी जाएंगे। अगला ऑप्शन है वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, वही बात है, इसमें भी वस्तु को डायरेक्ट दिखाकर अगर कोई भी अध्यापक पेड़ों के बारे में पढ़ाता है, वन के बारे में पढ़ाता है, तो सामने स्कूल में लगे पौधों को दिखाकर उसमें सिखा सकते हैं, मॉडल दिखाकर, ये भी सही है। तो इसके राइट आंसर तीनों हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, इसके ऑप्शन है दोस्तों जिसे छात्र सरलता से समझ सके,
जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, जिनमें नीत हास्य वीरता देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। तो दोस्तों इसमें इस प्रश्न में बोला गया है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, किसके लिए उपयोगी नहीं होगा। तो दोस्तों पहले ऑप्शन की बात करें जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, ये तो सही है, लेकिन बट इस प्रश्न के हिसाब से ये गलत होगा। जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली, ये भी बात सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता है। जो अब डी ऑप्शन देखते हैं, जिनमें नीत हास्य वीरता देशभक्ति ऐसी भावना नियत हो, ये भी एकदम पॉजिटिव और सही है, इसलिए ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, ये जरूरी नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा सिखाने का सही क्रम है। दोस्तों बात करते हैं भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है। ऑप्शन है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना। श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसकी ट्रिक होती है दोस्तों सर्वोपरि, याद रख लीजिए सर्वोपरि इसकी ट्रिक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपको याद रखनी है डायरेक्ट। भाषा सीखने का जो कौशल होते हैं सर्वोपरि, वो यही क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। आठवीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं। जो आठवीं कक्षे के जो छात्र होते हैं ना, बच्चे होते हैं, उसे भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो उसके ऑप्शन है किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, साहित्य समारोहों का आयोजन करना, यही सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा आकलन करने के लिए साहित्यिक समारोहों की कोई ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन ये तीन ऑप्शन है ए सी डी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किसी कहानी को नाटक के रूप में रूपांतरित करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन, किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। ऑप्शन है दोस्तों उसके प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, उसमें बलपूर्ण आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के लिए भरपूर अवसर देंगे। अगर दोस्तों सीटेट के पेपर में अवसर शब्द आए तो वही क्वेश्चन सबसे बेस्ट होगा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, त्रुटियों की उपेक्षा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर वर्तनी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए।